हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राइंगल्स में न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। नाउ थ्योरम 6.3, इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर दो ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है, तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी प्रपोर्शन में हो जाएंगे और वो दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। समझ में आया? अगर दो ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में हो जाएंगे एंड देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। सो दिस क्राइटेरियन इज रेफर्ड टू एज ए AAA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी फॉर टू ट्राइंगल्स। क्या बोलते हैं इसे? AAA क्राइटेरिया, दैट इज एंगल 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 क्राइटेरिया। समझ में आया? क्योंकि ये दो एंगल्स के ऊपर बेस्ड है ये थ्योरम, सो इट इज नोन एज द एंगल 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 और AAA क्राइटेरिया। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। नाउ टेक टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF सच दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, नाउ कट DP एट कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। मतलब कि यहाँ पे ट्राइंगल DEF में एक ऐसा DP बनाओ जिसका लेंथ AB के इक्वल है, दैट इज लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DP एंड लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DQ। ठीक है, नाउ जॉइन PQ। क्या करेंगे? दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E दिया है, सो देयरफॉर एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल P एंड PQ विल बी पैरेलल टू EF। करेक्ट, सो देयरफॉर यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सिंस यू शोड दैट DP PQ इज पैरेलल टू EF, सो यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। करेक्ट, दैट इज AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। क्यों? क्योंकि यहां पे DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। करेक्ट, समझ में आया? देयरफॉर AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। करेक्ट, दैट इज AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, दैट इज AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। करेक्ट, एंड सो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। करेक्ट, साइड्स प्रपोर्शन हो गए। नाउ रिमार्क, इफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल देयर थर्ड एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल। समझ में आया? यहाँ पे हमने यही किया, समझ में आया? दैट इज इफ टू एंगल, अगर दो एंगल्स, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल से, सो एंगल सम प्रॉपर्टी से उनके थर्ड एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया? कौन से प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। समझ में आया? नेक्स्ट, देयरफॉर AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज। मतलब एंगल 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 क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू ट्राइंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दिस मे बी रेफर्ड टू एज द AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्राइंगल्स। मतलब बोल रहे हैं कि आप AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन को आप ऐसे भी स्टेट कर सकते हो कि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स
रिस्पेक्टिवली इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से. समझ में आया? AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स. नाउ थ्योरम 6.4. इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर इन दो ट्रायंगल्स में sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle. Proportional मतलब क्या? In the same ratio. तो बोल रहा है अगर दो triangles में sides of one triangle, मतलब sides of one triangle are proportional to the sides of another triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. समझ आया? मतलब दो ट्रायंगल में अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. समझ में आया? नाउ दिस इज रेफर्ड टू एज SSS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. SSS मतलब क्या? साइड साइड साइड. ठीक है, SSS इज साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स. अब देखो, जब आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में कंफ्यूजन मत करना. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज एंड सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज को मिक्स मत करना. ठीक है, सो नाउ अब हम इसको प्रूफ करेंगे. इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF, correct? Which is less than 1. Now, cut DP equal to AB and DQ equal to AC and join PQ. क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, इस थ्योरम में क्या दिया कि आपके सारे साइड्स ऑलरेडी प्रोपोर्शनल हैं. ठीक है, नाउ इट कैन, नाउ अब है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. दैट इज If DP upon PE is equal to DQ upon QF, so angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F, corresponding angles. समझ में आया? Since अभी हमने क्या किया, join PQ, correct? Now PQ join करने के बाद, since DP upon PE is equal to DQ upon QF, therefore corresponding angles will be equal. That is angle DPQ will be equal to angle DEF or angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F. Correct? Similarly, now DP upon DE, pura ye DP upon pura DE is equal to DQ upon pura side DF. Correct? Is equal to PQ upon EF. Correct? Now, DP upon DE is equal to DQ upon DF is equal to BC upon EF. क्यों? क्योंकि हमने ये शो किया था कि PQ is equal to EF. Correct? Correct? समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? So BC is equal to PQ. Correct? So BC is equal to PQ. Thus triangle ABC is congruent to triangle DPQ. Correct? हमने तीनों साइड ऐसे हमने प्रूव कर दिया कि दे आर इक्वल. सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीक्यू. दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. करेक्ट? सो अब क्या रिमार्क है, समझ में आया हमने कैसे तीनों एंगल्स प्रूव किए इक्वल? तो ईदर ऑफ द टू कंडीशंस, जो दोनों कंडीशंस में से जो भी ईदर है, दैट इज corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio is not sufficient for the two polygons to be similar. हमने अभी तक ये समझा कि जो दो conditions थे वो हमने एकदम starting में पढ़े थे कि corresponding angles should be equal and the corresponding sides are in the same ratio, वो दोनों conditions sufficient नहीं है एक polygon को similar proof करने के लिए. Correct? सो बट जो हमने अभी थ्योरम 6.3 एंड 6.4 पढ़ा, उसके बेसिस पे इन केस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स,
इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक द बोथ कंडीशंस एज वन कंडीशन इम्प्लाइज द अदर. मतलब बोल रहे कि जो हमने थ्योरम 6.3 एंड 6.4 पढ़ा, उस दोनों थ्योरम के बेसिस में अगर आपको सिमिलैरिटी शो करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों कंडीशंस को चेक करो, क्योंकि अगर आप कोई एक कंडीशन देखते हो तो वो इम्प्लाई करता है कि अदर कंडीशन भी वो सेटिस्फाई करेगा. समझ में आया? नेक्स्ट, नाउ थ्योरम 6.5. इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. इसको आप क्या बोलोगे? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स. मतलब क्या बोल रहा है कि दो ट्राइंगल्स में अगर वन एंगल, एक एंगल फर्स्ट ट्राइंगल का इज इक्वल टू एन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, और उन दो एंगल के, उस एंगल के बीच का जो साइड है अगर वो साइड भी प्रोपोर्शनल है, तो वो दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर. तो आपको कौन सी क्राइटेरिया मिलेगी? SAS, दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे. वील टेक टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ करेक्ट, सच दैट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ विच इज लेस देन वन, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. करेक्ट. नाउ कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी एंड जॉइन पी क्यू. ठीक है, सो नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ. करेक्ट. देयरफोर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू. करेक्ट. और ट्राइंगल ए बी सी इज ओनली सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी क्यू. करेक्ट. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू. देयरफोर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. करेक्ट. समझ में आया हमने क्या किया? हमने पहले पी क्यू ज्वाइन किया तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ मिला, सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू हो गया. करेक्ट. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू. देयरफोर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ. समझ में आया? सो वॉट हैव यू लर्न टूडे? आज हमने क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा, उसमें जो हमने थ्योरम्स पढ़े वो अच्छे से पढ़ो, हमने प्रूफ के साथ देखे तो आपको और अच्छे से समझ आना चाहिए. और अभी तक जितना भी हमने ट्राइंगल्स किया है वो सब अच्छे से थ्योरम्स के साथ समझो, एंड सिमिलैरिटी के जो आपके क्राइटेरियाज हैं वो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज के साथ कन्फ्यूज मत होना. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स आर टू डिफरेंट टॉपिक्स, डू नॉट मर्ज देम. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस डेली. थैंक यू.